हमें तो पेटर मुझे गुड खिला सदा सुखला और इस तरह अंग्रेजी और बंगाली के बाद उर्दू ऐसी तीसरी जबान बन गई जिसमें अखबार शाये होते थे। उर्दू जबान की सहाफत आजादी तमाम ना मुसाइद हालात के बावजूद अपने सहाफती सफर को जारी रखे हुए हैं। जैसा ब्रिटिश लोग बोले थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे रेस्ट ऑफ इंडिया विल थिंक टुमारो, आज आप लोगों की बातचीत से अंदाजा हो रहा है कि ठीक है मैं बंगाल जो है आज से नहीं सदियों से जो है आगे रहा है और बंगाल से सिर्फ बाकी दुनिया के लोग छोड़िए जिन्होंने इस देश को देश में आके हुकूमत किया था वो मुर्शिदाबाद से जब अपने कैपिटल को हटा करके कलकत्ता लेके आया तो कलकत्ता में वो आने के बाद सोचा कि नहीं बंगाली जो है बुद्धिजीवी है बंगाली जो है इंटेलिजेंट है बंगाली को अगर डिवाइड ना कर पाए हम तो फिर हिंदुस्तान में रूल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 1905 में बंगाल का डिवीजन करके हम बंगाली लोगों को कमजोर कर दिया था। तो डिवाइसिव पॉलिसी जो है आज से नहीं ये सदियों से चल के आ रहा है। जो अपने जुबान को छोड़ देते हैं वो मिटने को चले जाते हैं वो मिट जाता है। इसलिए आज की जरूरत है कि हम अपने जुबान किसी भी बोल देते हैं हजरत क्या कि ये मुसलमानों की जुबान है कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं जुबान किसी कौम की नहीं होती है जुबान हमारी माँ है और उस माँ का फिक्र करना हमारा फर्ज होता है। 2011 से पहले हमारा बजट था 2011 में 96 लाख आज उससे बढ़ते बढ़ते जो है 12 लाख हो गया 12 करोड़ हो गया है। 12 करोड़ का बजट और इनकी खूबसूरती क्या है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बनर्जी इस एकेडमी के चेयरपर्सन जिस एकेडमी के चेयरपर्सन मुख्यमंत्री हो तो उस एकेडमी को डरने की क्या बात है। ईद की नमाज में आकर के और रमजान में इफ्तार पार्टी में शामिल होकर के ये प्रमाण करती है ये सबूत देती है कि हिंदुस्तान सेकुलर है इसके कैरेक्टर सेकुलर है। इस सेकुलरिज्म को बचाने के लिए इस चीज की जरूरत है और हम हाँ होता है फॉर टाइमिंग कुछ लोग आते हैं पावर में आपका सामने जर्मनी एग्जाम्पल है आए थे हिटलर जी आज ना हिटलर है ना उनके फोर्स है ना नाजी से लेकिन है जर्मनी। इनकलाबी ना हो डेमोक्रेसी आती नहीं है और इनकलाब बरकरार ना हो तो डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं करती है। इसलिए आज जरूरत है आप लोगों की भी जरूरत है। पेड़ कोई लगाता है और समर कोई खाता है जिंदा मिसाल आपके सामने है। मगरी बंगाल से शुरू हुए उस वक्त तो मगरी बंगाल नहीं बंगाल था और कलकत्ता था शुरू हुआ और ये कहना सही है कि इस जबान में अगर आज एक मखसूस कोने में इसको ढकेला जा रहा है मजहब की बिना पर तो ये फासिस्ट पावरों का फासिस्ट ताकतों का एक समझा हुआ मंसूबा है और हमारा भी फर्ज बनता है इसमें कि उनके इस नैरेटिव के ट्रैप में इस धोखे में हम लोग नहीं फंसे ताकत को जर्नलिज्म की ताकत को अखबार की ताकत को हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं। और आज एक और खुशी की बात है कि आज 24 मई है और आज बंगाल के एक बहुत बड़ी शख्सियत का सालगिरह है जन्मदिन है उनका नाम है काजी नजरुल इस्लाम। विप्लवी कवि थे आज़ादी में उनके जो पोएम्स हैं और जो उनके जो जी नजरुल गीति हैं वो सब हम लोग सब पूरे बंगाल में उसको बच्चा बच्चा उसको बाय हार्ट उनको याद किया जाता है उनको भी हम आज यहाँ पर खराज पेश करते हैं। और आखिर में वो कहते हैं कि कोई भी उर्दू की महफिल मुशायरा के बगैर पूरी नहीं होती। तो आप लोग देखे होंगे हर जगह पोस्टर लगा हुआ है मुशायरा का और अब यकीन नहीं मानिएगा कि हम अभी छुपे फिर रहे हैं कि कार्ड खत्म हो गया है किसको वो देखा है किससे बचे कहां जाए। एक तरफ एक खुसूसी सोच एक खुसूसी क्या बोलते हैं फासिस्ट पावर है और दूसरे तरफ
हम लोग बाकी सब हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जिस तबके से बोलिए, जिस दलित हो चाहे जो हो, बाकी सब हिंदुस्तानी दूसरी तरफ है। और इनकी तादाद ज्यादा है, इनकी तादाद अक्सरियत है, मेजोरिटी है। हम लोग सब बैठे हुए यहाँ, मैत्री दी बैठी हुई, आनंदा बैठे हुए, हम लोग सब एक यहाँ पर एक मेन धारा के हिस्सा है। और जो साइड से आ रहे हैं, जो अपनी बात सिर्फ कुछ खुसूसी लोगों को, कुछ खुसूसी बातें को लेकर के अपना नैरेटिव जो तैयार कर रहे हैं, उसको हम लोग को शिकस्त देना बहुत जरूरी है। और ये प्रोग्राम दरअसल उसकी तरफ, उसकी जानिब एक वार है हम लोग की तरफ से कि देखो हम लोग सब मिल कर करके एक हैं। और हम लोग सब ये पैगाम देते हैं हिंदुस्तान को कि सब लोग यहाँ से जब उठ के जाए तो ये अहद लेके जाए कि यहाँ से भाईचारा का पैगाम हम लोग पूरे मुल्क में फैलाएं। कि अखबार उस वक्त जो शुरू हुए थे वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के तहत शुरू हुए थे। राजा राम मोहन राय ने मीरातुन अखबार को इसीलिए निकाला ताकि वो सती के खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो ये जर्नलिज्म का मकसद होता है, जर्नलिज्म की ताकत होती है कि एक मूवमेंट चलाती है। और आज का ये प्रोग्राम उसी तहत हम लोग तीन हिस्सा में इसको बांटे हैं कि सेमिनार भी होगा, हमारे जो जामे जहानुमा अवार्ड्स जो हम लोग सहाफ़ियों को देंगे वो हम लोग नेशनल लाइब्रेरी में देंगे भी, और साथ साथ हम लोग लास्ट में एक मुशायरा भी कर रहे हैं जिसके लिए अभी काफ़ी वहाँ धूम मची हुई है। तो इंशाल्लाह हम लोग ये तीनों चीज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी तरफ से ना सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि यहाँ का मुश्तरका कल्चर, बंगाल के मुश्तरका कल्चर जो यहाँ के बंगाली और जो उर्दू वाले हैं, बंगला बोलने वाले हैं, सब मिल कर करके इसके तरफ से ये आगे बढ़ कर करके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये 200 साल उर्दू जर्नलिज्म पर, जिन्होंने फर्स्ट उर्दू जर्नलिस्ट था और ये जो है जाने जहाँ रोनुमा जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो उनका नाम था हरी हरी दत्त और उसका एडिटर था कौन, सदा सुखलाल साहब। ये दोनों को याद करने के लिए और 200 साल में जो उर्दू जर्नलिज्म कहाँ तक पहुँचा है उसको रिमाइंड करवाने के लिए आज ये प्रोग्राम हो रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे सब कैनेट में ये मैसेज दिया जा रहा है। और ये तीसरी ज़ुबान है इंग्लिश के बाद, बंगला के बाद उर्दू, कि जिनका 200 साल पहले से जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ है। और उर्दू जर्नलिज्म के अगर हम बालाए ताक रखें तो हमारा इंडियन इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कल्चर, एजुकेशनल स्टेटस हम जान नहीं पाएंगे। और ये सब चीज़ जो है हमको कहाँ से मिलती है, उर्दू जर्नलिज्म से। इसलिए इसको इंक्रेज करने के लिए हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल ममता बनर्जी जी, हमारे जो हमारे दीदी है, वो पावर में आने के बाद इस एकेडमी का, उर्दू एकेडमी का चेयरपर्सन हुई। इनकी ये खूबसूरती है एकेडमी की। और जब 96,000 लाख बजट था, उस बजट को बढ़ाते बढ़ाते आज 12 करोड़ बजट कर दिए है। नहीं, आपका ये सोच है, उर्दू पसमानदा नहीं है, ना उर्दू का ग्राफ डाउन हुआ है। आज भी उर्दू उसी आपका हैसियत से चल रहा है जो हैसियत से कल चल रहा था आज। लेकिन उर्दू के साथ साथ हम लोग ये कहेंगे ज़रूर कि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उनकी भी ज़ुबान को जानना ज़रूरी होता है। ये दोनों ज़ुबान जो है एक साथ अगर लेके चले, हम कभी जो है ना आपके कल्चरली हम बैकवर्ड हो सकते हैं, ना फाइनेंशियली जो बैकवर्ड हो सकते हैं, ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकते हैं। 200 বছর পূর্ণ হলো উর্দু জার্নালিজম। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমিতে। আজ থেকে আগামী দুদিন চলবে এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার মন্ত্রী নাদিমুল হক এবং স্বল্প বিষয়ক মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী। ক্যামেরায় সৈকতের সাথে আমি দীপাঞ্জনা, এআইএন সংবাদ।